हेलो एंड वेलकम दोस्तों, देबोलीना भट्टाचार्य ने इशारों ही इशारों में मारा है शहनाज गिल को ताना, कहा निक्की तंबोली जैसी इरिटेटिंग। वेल, बिग बॉस 14 के घर में जब से निक्की तंबोली ने एंट्री मारी है तब से वो लोगों के निशाने पर है। निक्की तंबोली को जहां रश्मि देसाई ने खूब सपोर्ट किया है, वहीं देबोलीना भट्टाचार्य को वो काफी इरिटेटिंग भी लगती है। निक्की तंबोली की हरकतों ने तो देबोलीना भट्टाचार्य की नाक में दम ही करके रखा हुआ है। निक्की तंबोली को खरी खोटी सुनाते हुए देबोलीना भट्टाचार्य जी ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। जी हाँ, दरअसल देबोलीना भट्टाचार्य ने ट्वीट पर लिख दिया है कि निक्की को देखते ही उन्हें पिछले सीजन की सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट्स की याद आ जाती है। साथ निभाना साथिया फेम देबोलीना भट्टाचार्य जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, निक्की तंबोली कॉपी कैट है और उसे देखकर मुझे बिग बॉस 13 की सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट की याद आती है। उफ। देबोलीना भट्टाचार्य जी के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद फैंस तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कई लोगों ने तो उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनानी शुरू कर दी है। दरअसल देबोलीना भट्टाचार्य जी ने इस पोस्ट के जरिए शहनाज गिल को टारगेट करने की कोशिश की है। निक्की तंबोली के पहले प्रोमो को देखने के बाद लोगों ने उनकी तुलना शहनाज गिल से करनी भी शुरू कर दी थी। खैर, शहनाज गिल के फैंस का कहना है कि उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट जैसा तो कोई भी नहीं है। दरअसल प्रोमो में निक्की तंबोली सलमान खान के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आई थी। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद देबोलीना भट्टाचार्य जी और शहनाज गिल के फैंस के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर भी देखने को मिला था। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के म्यूजिक वीडियो भुला दूंगा को देखने के बाद वो देबोलीना भट्टाचार्य जी ने कहा था कि अगर इस गाने में सिद्धार्थ के साथ रश्मि होती तो बहुत रोमांटिक होता। देबोलीना भट्टाचार्य के इस कमेंट के बाद से तो शहनाज गिल के फैंस ने खूब खरी खोटी सुनाई थी। वेल दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो हमें जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।